अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नफ़रत को मोहब्बत में बदल देने का वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ व्यूअर्स, ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है और आज़माया हुआ है, नफ़रत को मोहब्बत में बदल देने का वजीफ़ा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करना है, लेकिन पूरे खलूस नीयत से करना है और इस अमल को इजाज़त आम है, कोई मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर शख्स को इस अमल की सख्त ज़रूरत है कि वो किसी भी इंसान की नफ़रत को मोहब्बत में बदल देता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ आप लवर्स के लिए ही यूज़ करें, बाज़ औक़ात हमारे दोस्तों के दिल में हमारे लिए नफ़रत हो जाती है, हमारे रिश्तेदारों के दिल में हमारे लिए नफ़रत हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान सिर्फ़ अपनी लवर्स के लिए ही यूज़ करे, ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, हर इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन आजकल का जैसा ज़माना है मोहब्बत कम नफ़रत ज़्यादा है। तो आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो लोगों के दिलों में अपनी नफ़रत को मोहब्बत में बदल देना चाहते हैं। नाज़रीन, आप जब भी वजीफ़ा शुरू करें हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए दुआ करें और ये अमल सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करें। अल्लाह पाक राज़ी होगा तो इंशाल्लाह आपके तमाम काम सुधरते चले जाएंगे। और आप वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खैरात दें और यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा करें। बावजू हालत में रोज़ाना 1,25,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर पानी पर दम करें और वो पानी उस शख्स को पिला दें जिसके दिल में आप अपनी नफ़रत ख़त्म कर देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ 3 दिन के बाद आप ख़ुद देखेंगे कि आप कि नफ़रत जो है जिस इंसान के दिल में आप अपनी नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं उस इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएगा। नाज़रीन, हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट देना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।